नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। राहुल गांधी अपने दो दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर महापौर योगेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड आर के गांधी ने, सुनिए। राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिए चुनावी संकलन करने जा रही है, हमारे साथ में भिलाई नगर निगम के मेयर देवेंद्र जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, अगर समझा जाए राहुल गांधी के इस दौरे को, इसके मायने को, तो जिस तरह से प्रभाव बदला गया, एक नई बदलाव देखने को मिल रही है। इस बदलाव के बाद में राहुल गांधी जी पहुंचे, इससे पहले कई प्रस्तावित दौरे थे लेकिन वो दौरे कैंसिल होते चले गए। लेकिन इस बार जिस दमखम के साथ कांग्रेस उभर के सामने आ रही है, कितना महत्व मानते हैं आप इसे छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय में, चूंकि अब बहुत कम समय बचा है चुनाव का, और राहुल जी का ये दौरा पूरे कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार करेगा। बस्तर में लगातार पहले भी राहुल जी आते रहे हैं और बस्तर की जनता राहुल जी को बहुत चाहती भी है और वो उनको देखना भी चाहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। निश्चित रूप से इस दौरे के बाद हम लोगों की कार्यशैली और हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और बढ़ेगी, ताकि हम लोग नए सिरे से अच्छे तरीके से नई प्लानिंग से 2018 में फतेह हासिल कर सके। दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष गनी जी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल गनी जी, एक लंबा वनवास कांग्रेस का, राहुल गांधी के इस दौरे से आपको लगता है कि कांग्रेस का जो वनवास है वो खत्म होगा? देखिए, हमारे माननीय राहुल गांधी जी के दौरे से हमारे युवाओं में और हमारे प्रिय साथियों में जो ऊर्जा का प्रवाह होना है, उससे निश्चित तौर पर हम लोग 2018 में जो कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ रहे हैं और हम 2018 में कामयाब होंगे, ये हमें एकजुटता का परिचय देते हुए, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे नेता राहुल जी के जो अभी मार्गदर्शन मिलेगा, उससे और आगे मजबूती बढ़ेगी हमारी। जिस तरह से पुनिया जी ने प्रभार संभाला और सोना खान गए, तो दलित वोट बैंक और अब ऐसे में आदिवासी वोट बैंक, क्या कांग्रेस इस दलित और आदिवासी वोट बैंक के जरिए सत्ता पर काबिज होने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये वोट बैंक जो है वो हमारे ही है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सामयिक बीच में जो स्थिति सामयिक तौर पर थोड़ा सा मतलब दूरियां बढ़ती है, लेकिन वो दूरियां खत्म हो जाएगी। पुनिया जी की मेहनत कर रहे हैं, वो आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत प्रारंभ की, तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी दिखेगा। लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी चुनौती नहीं मानती, उन्होंने अपने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोला कि कांग्रेस हमारे लिए चुनौती तो है ही नहीं। अब वो तो समय बताएगा कौन चुनौती है। तो योगी क्या कांग्रेस जो है क्या बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि योगी नहीं वहाँ पे छा रहे? देखिए, ऐसा आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों का टारगेट कांग्रेस ही रहा है, भले वो कुछ भी बोले, योगी जी हो चाहे डीजीपी हो, उनका दोनों का टारगेट कांग्रेस है और हमारा टारगेट जो है वो भाजपा है, बाकी हम किसी को नहीं जानते। तो कुल मिलाकर जो चुनौती है, इस चुनौती के बीच में कौन किसे पकड़ी देता है, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। और इस बीच में कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल गांधी खुद युवा संगठन युवाओं को तरजीह देने की बात हमेशा करते हैं, कितना मायने रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से युवाओं को भी यहाँ पे टिकट देने के बाद जिस तरह से राजा बराज जी आए, तो उन्होंने कहा 50% यहाँ पे युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। युवा कितना खास यहाँ पे अपनी भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में? जी, जैसा कि राहुल गांधी जी ने सिस्टम बनाया था कि युवाओं को जो है महत्व देकर आगे लाना है, उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र का युवा जिला पंचायत सदस्य मैं हूँ और पूरे देश में जो है युवा महापौर जो है दुर्ग जिले से है। और ये राहुल जी का ही सिस्टम है, युवाओं को आगे लाना है, और क्योंकि युवा ही जो है वो लंबे समय तक के काम कर सकते हैं और पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए जो है युवाओं के ऊपर वो फोकस करते हैं। और हर वर्ग और हर समुदाय के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने सोचा है और हर समुदाय के लिए वो फोकस करके काम करती है, हर समुदाय को फोकस करने की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि बस्तर ऑलरेडी मजबूत स्थिति में कांग्रेस के लिए, 8 सीट आपके पास में है, अंबिकापुर की भी कमोबेश स्थिति बहुत मजबूत है, मैदानी इलाकों में थोड़ी सी आपकी स्थिति जो है कमजोर है। देखिए, दो ही मैदानी इलाकों में जो स्थिति कमजोर थी उसके कुछ कारण थे, हो सकता है इस बार वो सब त्रुटियां दूर करते हुए जब युवाओं को लाएंगे, तो युवा ही परिवर्तन का स्रोत होता है और युवाओं को जब आगे मौके मिलेंगे तो उसका परिवर्तन प्रदर्शित होगा। जैसे कि हमने अभी भिलाई महापौर चुनाव जीता, अच्छे से हमारे युवा साथी लोग जिला पंचायत में कवर किए, नानगढ़ पूरा हमारे पास में, जिला पंचायत और पंचायत दोनों हमारे हाथ में है और नानगढ़ जिले में भी मतलब हमारे युवा साथी लोग सब लोग हैं, तो इससे प्रदर्शित होता है कि आने वाले वक्त में हम मैदानी इलाके में भी फतह हासिल करेंगे और अच्छी सीटें लाएंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी की जो ये सभा है, ये सभा तय करेगी कि प्रदेश की सत्ता में कौन कमान संभालने जा रहा है।
कुल जो 90 लोग है यही निकल के सामने आ रहे हैं, तमाम लोगों का जो रणनीतिकार है वो इस रणनीति के तहत में ये बात करने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि प्रदेश में परिवर्तन तो जनता ने ठान लिया है और जनता ने जो ठान लिया है उसको कोई बदल नहीं सकता। राहुल जी आपका नजरिया है ना, आप अपने नजरिए से इस चीज को देख रहे हैं। देखिए नजरिया मैं भी जनता के नजरिए को देख रहा हूँ, क्योंकि इतने समय से जो कुशासन रहा है 15 सालों से, पिछले लगभग 15 सालों से बीजेपी का, उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर केवल और केवल गुमराह किया जाता है, जनता के हितों की बात नहीं करती बीजेपी। आज राहुल जी के आने से ऊर्जा बढ़ेगी, जो हमारी जीत का फासला है वो हम और तेजी से उसको कवर करेंगे और तेजी से मेहनत करेंगे, ये इस आज के दायरे से ये जरूर होगा। मुझे लगता है ये समझा जाए राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह से नीतीश जी का पूरा घटनाक्रम, बिहार का घटनाक्रम रहा, राहुल गांधी काफी नजदीक से उस चीज को देख रहे थे, समझ रहे थे। नीतीश जी मिलने भी गए दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात हुई और एक जो अनिश्चितता थी उस अनिश्चितता के बीच में नीतीश जी एनडीए के साथ में आकर के एनडीए की गवर्नमेंट एक और राज्य में आ गई और नीतीश जी को लेकर उन्होंने कहा कि धोखेबाजी उन्होंने की। आपको नहीं लगती कि अवसरवादी जो है राजनीति में काफी हावी होती जा रही है? देखिए भाजपा शासन कमर्शियल पॉलिटिक्स करती है। इस बार बस्तर के इस दौरे में ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक रहेगा प्रभाव तो दिखेगा इस पूरे घटनाक्रम का। देखिए भाजपा सरकार और भाजपा शासन कमर्शियल पॉलिटिक्स करती है, वो मूल्यों पे पॉलिटिक्स नहीं करते। हम मूल्यों पे पॉलिटिक्स करते हैं और जिस तरीके से जो देश में हो रहा है, भले आप देखिए गोवा में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की या यहां पर बिहार में उन लोगों ने जिस तरीके से भाजपा ने और नीतीश कुमार ने मिलकर काम किया, ये जनता देख रही है और जनता इनको जवाब देगी आने वाले समय में। इसमें एक बात और कि कहा यह भी जा रहा है कि काफी जल्दबाजी में राहुल गांधी का कार्यक्रम कर लिया गया, बदलाव हुआ उसका तुरंत कार्यक्रम। शहरी सप्ताह है, शहरी सप्ताह के बीच में कार्यकर्ता आने में काफी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की सभा को लेकर बहुत पुख्ता तैयारी होनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि पूरे प्रदेश के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आम जन राहुल जी को देखने यहाँ पे आ रहा है, राहुल जी को सुनने यहाँ पर आ रहा है और सभी लोग उत्साहित हैं। सोचिए ऐसे अवसर पे इतनी बड़ी स्केल पे तैयारी हो रही, इतने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जिससे ये समझ में आता है कि कितनी ऊर्जा कांग्रेस के लोगों के अंदर है और आम जनता तो दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे बाइक रैली या बुलेट से भी लोग रायपुर से बस्तर आते दिखे, कुछ यहाँ पे युवा जो थे काफी उत्साहित थे, ये उत्साह कितना माने रखेगा चुनावी संकनाद के लिए? अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का युवा जो है, छत्तीसगढ़ का जो छात्र है, राहुल गांधी जी से कनेक्ट करता है, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानता है और पूरे सरगुजा से लेकर सुकमा तक युवाओं में जोश भरा हुआ है कि कैसे अपने नेता को देखे, कैसे अपने नेता को पहुंच सके और निश्चित रूप से ये जो जोश है, उमंग है, ये आने वाले कांग्रेस की सरकार के लिए इशारा करती है। कुल मिलाकर सारे इशारों में यहाँ पर कांग्रेस कई बातें कहना चाहती है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की जो ये सभा है ये कहीं ना कहीं इस चुनावी संकनाद का आगाज करती नजर आ रही है। कैमरामैन प्रवीण अहमद खान के साथ आरके गांधी, कैमरामैन जगदलपुर।